लाश छोड़ दिया मियाँ बीवी का कंपटीशन मेन सेफ है, हेड सेफ है। आज सबकी दावत है यहाँ। अरे खाई नहीं, यहाँ पे एक भालू बैठा है, उंगलियाँ चाटते रह गए ताओ। इतना स्वादिष्ट हेलो दोस्तों, नमस्ते, पहला प्रणाम। तो कैसे हैं जी आप सभी लोग? तो आप सभी को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है, मेरा नाम है विजय सिंह और मैं हूँ एक छोटे से गांव, मेरे गांव का नाम है ऊणी, जो कि पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट के देवाल ब्लॉक के नंदकेसरी पोस्ट ऑफिस में। तो चलिए फिर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं हैं। क्यों दोस्तों? डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों अभी चलता हूँ मैं दीपक बिस्तर के वहाँ, वहाँ बनना है आज। तो आजकल चल रहे हैं नवरात्रे, तो नवरात्रों के इस शुभ अवसर पे दोस्तों अभी बनना है यहाँ पर पूरे गांव को खाना, क्योंकि कल हम जहाँ पूजा में गए थे तो उसके बाद पूजा तो वहाँ की थी, लेकिन घर आके पूरे गांव को यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। तो आज एक साथ सभी लोग खाना खाएंगे काफ़ी टाइम बाद, और सारा गाँव एक साथ जब होगा तो काफ़ी खुशी होगी। क्यों? तो जो कढ़ाई है ना भजिया, इसमें बनना है मसाला और उसमें बनना है मटन। वो आज खाएंगे सभी लोग एक साथ खाना। अब लगभग लगभग सब जगह ऐसी चूल्हे बने हैं, बाजार से ला रखे हैं लोग लोहे का। ये देखिए, इसमें आग पूरी चारों तरफ जलती है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये है डेग, इसे हमारे पहाड़ों में डेग बोला जाता है, जो बड़ा सा बर्तन है और इसमें बनेगा चावल। तो सबसे पहले इसको मिट्टी से इस पर लेप लगाना पड़ता है, ताकि इस पर काला जो धुआं होता है ना, वो काला ना हो, बर्तन काला ना हो, मतलब इस पर पहाड़ी में बोले तो इसमें झोल नहीं लागूं चाहे। तो अब मैं इसमें लेप लगाता हूँ। तो दोस्तों ऐसी लेप लगाना पड़ता है इसमें, हाथ से ये इस पतीले को बाहर से चमकाना पड़ता है पहले, ये लग रहा ना, ताकि इसमें ये काला धुआं ना लग सके, झोल ना लगे इससे। ना हम डे का हूं बल ताऊगुणी ना देखिए हूं बोला डे का हूं बल ये मिट्टी का लेप लगा दिया हमने पतीली पे, ताकि इस पर जो ये काला है ना, इसको धो के अगर हम इसको धोएंगे तो तुरंत निकल जाता है। इस पर भी देखिए मिट्टी का लेप लगाया था इस प्रेशर कुकर पे, अगर हम इसको धोएंगे तो ज़्यादा टफ नहीं होगा इसका काला निकालना। तो दोस्तों ताऊ को आप देख रहे हैं ना, तो ये हमारे गाँव के मेन सेफ हैं, हेड सेफ हैं, जिनको मतलब खाना बनाने का हर तरीका पता है। ये देखो 96 साल, 96 साल होता हुआ है बताओ कैसे साल है तुम? 60 साल से प्लस है ना, 60 साल के हैं ताऊ जी, 60 63 साल के, चलो 50 साल का एक्सपीरियंस तो होगा ही खाना बनाने का, 62 साल का एक्सपीरियंस है। ये मजा आ गया, उंगलियां चाटते रह गए ताऊ, इतना स्वादिष्ट बना था बोला। अब इस पे चावल रखेंगे, इसमें बनेगा भात, बोले तो चावल बनेगा। और गांव में खाना बनाने वाले बस 3 ही लोग हैं, देखिए छोटे चाचा जी और ताऊ जी और बड़े ताऊ जी, ये देखिए। अब बाकी तो कोई है नहीं आजकल गांव में, बाकी सब अपने ड्यूटी पे हैं। कंपटीशन चलता हूँ यहाँ पर सासू और बहू का, कौन पहले थकता है बल। और यहाँ पर अभी खाजे कूट रहे हैं, खाजे कौन हारता है बल, जो हार लो तो वो एक डंडा खा फटाफट। ओ ताऊ तो डंडा तैयार करो, ओ ताऊ तो डंडा खा लो,
कंपटीशन बोला हां बहुत ही तगड़ा कंपटीशन हो रहा है यहां पर आनी ओके ना तुम खाज खावे वेरी जिंगल खाजे कूट रहे खाजे ये रहा था के ओ ताई मारो एक डंडा खाज दिखे वो अरे खाज दिखे वो अरे गांज दिखे वो है खराब है वो मां खराब कौन अरे वो गांज दिखे वो ये रहा हार गए दोनों हार गए दोनों ये देखिए अब दोनों भाइयों का घमासान युद्ध हो रहा है। वैसे तो लड़के दारों में कंपटीशन करते हैं पर इन्होंने आज धान कूटने में कंपटीशन कर रहे हैं क्योंकि दोनों ने आज अभी बोतल नहीं खोल रखी है ताऊ लोगों ने अभी बोल रहे पहले काम कर लेते फिर बोतल खोलेंगे बल बोतल नहीं है खत्म हो गई उसके पिन धर्म क्या बोतल नहीं है खत्म हो गया बोतल मिल जाओ तुम टेंशन ना लियो कुछ दिन बोला ये रहा दुखा है दुखा था कि दुखा का लाश उड़ रहे हैं ताऊ ये गजब 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 कुछ दिन बोला हाँ साठ जाओ ये इसे बोला जाता है गंजाल जो हाथ पे ताऊ जी लोग जिससे कूट रहे हैं और ये जो है नीचे वो खो में कूट रहे हैं धान है अरे धान है इसको तवे में भूज रखा है अरे रहा सांस बिल्कुल यूं नु दुई जोण आवण कंपटीशन यो ये दुई जोण से वाली हूं मैं अभी भी का कंपटीशन जीतेगा तो लड़का ही हीरो बनेगा आज जी मैं तो लड़के ने दो जान से वाला जी सब पूरी होना ये खाजे कौन खाएगा कूट कौन रहा है खाएगा कौन ये आदिपु हार गया आदिपु हां से भाई आवाज मत आवे नहीं जोश मारो ले हार ऋतु भादो यू भादो में जैसी माता कैला जाए नी तब यू भी आया चलो ठीक पेठो तुम फटाफट हाँ इसको सूपा बोला जाता है जिससे पैठ इससे मतलब कि अच्छा गंजाई थी ए जल्दी आ रहा वाला की बार रुई गया लोग आई आगे ये नीचे बैठ के खाने का तरीका तो बिल्कुल अलग ही है ना आज सबकी दावत है यहाँ पर बना है मीट बिष्टी जी आज खाना भी बांटते हुए अपना काम खुद स्वयं करते हुए अरे बिष्टी जी तो ये मेहमान जी आए थे हमारे जीजे जी अभी यहाँ पर खाना बांटते हुए इनको भी काम पे लगाए यहाँ पर देखिए तो बच्चे भी आ गए सब स्कूल से और मैं भी मिल चुका है खाना भोजन अरे कैसा बनाया बताओ रे लाओ क्या मतलब है क्या शरीर से और नानू ना क्या अर्जी मर्च मर्च अर्जी
बच्चों को मिर्ची लगी। और गुन्नू कैसा बनाया फिर खाना? है मिर्ची नहीं वर्गी वर्गी यहाँ पर एक भालू बैठा है, यहाँ पर एक भालू बैठा है, बोल रहा है खाना खाना खाना, कितना खाना है मेरे को खाना, बस खाना ही खाना चाहिए। चल हो गया यहाँ पर रसगुल्ला बांट रहे हैं, सब रसगुल्ला खा रहे हैं। ये मी वीडियो रे धोके बाजी हो वादा करके भूल जाते हो तुम तो, धोके बाजी हो वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे हम जो रोट जाएंगे तो हाथ मलोगे, आहा तुम भी बड़े चालाक हो वादा करके भूल जाते हो। पाँच बेड़ियों मामी वे गे कुलाड़ी, मेवे गे कुलाड़ी बाबा मेवे गे कुलाड़ी, साती पड़ा सारा पी मेरा पिताजी है मंता, साती पड़ा सारा पी मेरी माता मेरा, साती पाँच मिहेगे कुलाड़ी बेण्यो दिनी बाबा सोलाके गिवाणी, कई बेण्यो दिनी बाबा भगीला बधाणी, सभी से कुलाड़ी दिनी भांगी फूक्या जोगीते, मल ही चाले ना आंखों कह रही है तल ही किले बाबा भांग फूक्या जोगी ते। तो दोस्तों हमने सुना ही सॉन्ग, अभी जो हमारे गांव के जो महिलाएं और मतलब भाभी जी और जो शिवानी और यशोदा ने गाया, उनके पास मेरा फोन था तो वो खुद ब खुद स्टार्ट हो गया गाना गाना। देखिए बहुत तेज हो गया आजकल बच्चे क्यों। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, तो हमने यहाँ पर मडवे को सुखाने के लिए रखा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और कल इस मडवे को, मडवे की मंडाई कल होगी बैलों से, तो कल हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आजकल गांव में सब जगह यही काम है, देखिए हर किसी के चौक पर कुछ ना कुछ डाल रखा है, जैसे धान सुखाने के लिए हमने मडवा डाल रखा है सुखाने के लिए इसको। तो भैया जी कल हम करेंगे मडवे की मंडाई, बैलों से मडवे की मंडाई कैसे होती है वो कल वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे। और आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, क्योंकि वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी। तो भैया जी आज की वीडियो को ज़्यादा लंबी करते नहीं हैं, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल न्यू व्लॉग में, आपका प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना रहे, नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलते हैं आपसे। तो करते हैं आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत, जल्दी मिलते हैं न्यू व्लॉग में।